नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आज आपको हम एक बड़ी खबर से अवगत कराते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी से। 18 प्लस वैक्सीनेशन में युवाओं ने दिखाया उत्साह, क्या बोला युवा वर्ग। सुप्रीम पावर की जनहित में अपील, सभी पात्र लोग जरूर लगाए टीका। सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण प्रारंभ करने के बाद 19 मई से खैरलांजी में भी इस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसके लिए प्रशासन द्वारा तहसील कार्यालय के बाजू में बीआरसी भवन को टीकाकरण केंद्र बनाया गया, जहां पूर्व में महाविद्यालय का संचालन किया जाता था। इस टीकाकरण कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें युवाओं द्वारा गजब का उत्साह टीका लगाने को लेकर देखा गया। सुबह से ही ऐसे लोग जिनका सफल रजिस्ट्रेशन एक दिन पूर्व हो चुका था, टीकाकरण केंद्र पहुंचना प्रारंभ हो गया था। परिणाम स्वरूप 3 से 4 घंटे के अंदर ही 70% युवा वैक्सीन लगवा चुके थे। यहां यह बताना लाजमी होगा कि क्षेत्र में 60 से अधिक आयु वर्ग के बहुत से बुजुर्ग लोग जिन्होंने पहला डोज लगा लिया, कुछ भ्रांतियों के कारण टीके का दूसरा डोज लगाने से अभी कतरा रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा लगातार इस बारे में ऐसे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि टीका लगाया जाए, यह बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए खैरलांजी से सुप्रीम पावर न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट खैरलांजी से युगेश कावड़े की रिपोर्ट। आज हम जो 18 प्लस का वैक्सीनेशन हो रहा है, जो बीआरसी भवन है तहसील कार्यालय के साइड में, उसमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। लगभग कल ही जो ऑनलाइन लोगों ने बुकिंग किया था, लगभग 200 लोगों की बुकिंग हो चुकी थी। और जैसा कि भी बता रहे हैं हमारे जो स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ है, लगभग 140 लोगों का टीकाकरण हो भी चुका है। हमारे साइड में अभी जिन लोगों को टीका लग चुका है वो बाकायदा देख रहे हैं, बैठे हुए हैं और ऑब्जर्वेशन में है। तो अभी हम जितने सबसे बात करेंगे कि किस प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये आपको पूछे जी। हमें कमल नथुरे, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर खैरलान जी। आज हमारे यहाँ पे 18 प्लस से अधिक आयु के जो हितग्राही है उनका टीकाकरण कार्य चल रहा है, और उसी तारतम्य में आज 200 लोगों का लक्ष्य है खैरलान जी को, और लगभग 140 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पे हो चुका है। हम लोग उसी कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी का टीकाकरण यहाँ पर संपादित करा रहे हैं। आपको पूछे मेरा नाम प्रियंका नामदेव एएनएम, और मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में सभी को टैबलेट पैरासीटामोल टैबलेट बांट रही हूँ। अच्छा, मतलब किसी को बुखार हो, किसी को फीवर का लगता है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। अभी तक जिन लोगों को टीका लग चुका है उनको आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में देखना है, और अभी ऐसा कोई लक्षण नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 140 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। मतलब ये सब जितने लोगों को हमने आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोग भी है, वैक्सीनेशन हो गया जो अपन कहने के मतलब वैक्सीन हो चुका है। नाम बताओ अपना। नाम बलराज पटेल है। वैक्सीनेशन हो गया अभी, 9:30 बजे आज। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और अभी फिलहाल वैक्सीनेशन के बाद आराम करने के बाद यहाँ पर एज अ वॉलंटियर भी वर्क कर रहा हूँ वैक्सीनेशन सेंटर पर। अच्छा, आप लोगों को प्रेरित करने का भी काम है। बिल्कुल, मैं सभी से खैरलांजी क्षेत्र के समस्त युवाओं से, 45 साल से भी ज़्यादा के बुजुर्गों से भी मैं आपसे सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग खैरलांजी के इस वैक्सीनेशन सेंटर में आकर कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है उस वैक्सीन को लगवाएं। यह वैक्सीन बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसमें जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप उनका सबका पालन करें आप। और इसके अलावा मैं युवाओं से भी निवेदन करूँगा खैरलांजी क्षेत्र के कि आप लोग इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मतलब सफल बनाने के लिए एज अ वॉलंटियर यहाँ पर सुबह हो या शाम में हो अपना समय ज़रूर दें, क्योंकि मानवता की सेवा का यह पहला अवसर आप सभी को मिला है। अगर आप किसी की हेल्प के लिए आगे आएंगे तभी आपकी हेल्प के लिए कोई आगे आएगा, वरना आप एक समय ऐसा आएगा कि आप एक दूसरे को मरते हुए बस देखेंगे। इसलिए मैं सभी युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप भी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने भी आएँ, और वैक्सीन जो लगवा रहे हैं उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए भी आगे आएँ। धन्यवाद। ये थी हमारे युवा प्लाज में से जो लगातार युवाओं को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि वो वैक्सीन के प्रति जो भ्रम की एक स्थिति है, कुछ लोग उसको गलत रूप से ले रहे हैं, तो उनको वो गाइड कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और खुद भी उनने वैक्सीन उनका हो चुका है। अब हम अन्य लोगों से और बात करते हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। आपका नाम?
मेरा नाम निखिल बड़ीसार है। कहाँ से आए? वाराणसी से आए। तो आपने यहाँ से कराए थे? हाँ, यहाँ पे करवाए। अच्छा, ले ली टीका जी? लग चुका। कितना समय हो गया? 15 मिनट पहले। कैसा महसूस कर रहे हो? एकदम स्वस्थ। कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं। क्या नाम है? कहाँ से आए? वाराणसी। अच्छा, कितना समय होगा टीका लगाया? 15 मिनट। ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? बुखार? नहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा। चलो, आप मात्र शक्ति है, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी आगे बढ़िए, वैक्सीनेशन कराइए जो आपके लिए अच्छा है, सेफ है। और जोर के जोर के कुछ भी नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराओ और वैक्सीनेशन कराने के लिए आगे। कहाँ से आए आप? वाराणसी। स्वास्थ्य विभाग का हमारे पास में कुछ अमला है जो बाकायदा एंट्री कर रहा है, हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा कार्य कर रहे हैं हम। आपका नाम? मेरा नाम श्री सौरभ चौहान है, यहाँ पे वेरीफायर का काम कर रहा हूँ मैं, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल की डेट में हुआ है, जिसका आज का स्लॉट मिला है महिला जी, उसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद मतलब जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों को जो मैसेज आए हैं उनको आप वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है? तो कितने लोगों का वेरीफाई हो चुका है अभी तक? 128 लोग वेरीफाई हो चुके हैं। मतलब 128 लोग आ चुके हैं यहाँ? आ चुके हैं। और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन था? 200 में 128 लोग का वेरीफाई हो चुके हैं। और कुछ कोई दिक्कत है? युवाओं में अच्छा उत्साह दिख रहा है? युवाओं में अच्छा उत्साह काफ़ी अच्छी, बहुत जल्दी 128 लोग कवर हो गए हैं, आ गए हैं, बच्चे बच्चे लोग भी आ जाएंगे धीरे धीरे। हम लोग भी चल रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, और हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सिस्टर लोग हैं जो वैक्सीन लगाने का कार्य कर रही है, पूछते हैं कैसा कार्यक्रम चल रहा है, क्या चल रहा है। मैडम आपका परिचय? कुमारी मंजू पराडकर। कुमारी मंजू पराडकर। अच्छा, आप वैक्सीन लगाना कार्य कर रहे हैं? जी। क्या ऐसा कुछ विशेष आज देखने मिल रहा है जो युवाओं में जो 18+ का जो वैक्सीन चल रहा है उसमें क्या विशेष लग रहा है? मेरा पूछने का मतलब ये है कि पहले 45 सेकंड फेयर में 45 ऊपर वालों को अपने लगाया, फिर उसके फर्स्ट वाले में 60 के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हुआ, तो 18+ में आपको क्या विशेष समझ में आ रहा है? 45+ में लोग लगवा रहे हैं, 18+ में लोग खुद ही लगवा रहे हैं, मतलब लोग अपन होकर आ रहे थे, मतलब उनका उत्साह भी बढ़ते देखते बनता है। सिस्टर हमारे पास में एक और सिस्टर है, काफ़ी सेवा दे रहे हैं साधारण पुलिस में। और लोगों में बहुत उत्साह है, जागरूक है लोग और अपने से वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कि अभी तक के 128 लोगों का हो चुका है, आप बोल रहे हैं, तो टोटल कितने लोगों का ऐसा आज का टारगेट है? आज का टारगेट 200 लोगों का है, तो अभी तक 128 लोग आ चुके हैं। और कब से अपना वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ हुआ है? अपना 9 बजे से हमारा वैक्सीन कार्यक्रम चालू है। कब तक चलते रहेगा ये? हमारा 5 बजे तक का टाइम दिया गया है, 5 बजे तक चलेगा। जैसा कि सिस्टर लोगों ने बताया जो टीकाकरण में लगे हुए हैं, सीधा सीधा साफ कहना है कि जो 18+ वाले टीकाकरण में युवाओं का काफ़ी अच्छा उत्साह है, 200 लोग कल ही मतलब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका था, और 128 लगभग टीकाकरण अभी कितना लगभग टाइम जो हुआ है 12 से 1 बजते आ रहा है, इस बीच हो चुका है, लगभग 5 बजे तक के लिए बहुत टीकाकरण का कार्य उनका सतत चलते रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रथम चरण में जहाँ 60 के ऊपर वालों को अपन लगा रहे थे टीकाकरण, उसके बाद में गवर्नमेंट ने फिर उसमें और वो संशोधन किया और फिर 45 से लेकर के 59 के अंदर वालों को लगाया। अब जैसे ही 18 वर्ष के ऊपर वाले युवाओं को ये लगाने का सरकार ने निर्णय लिया, युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी युवा आए भी हैं, काफ़ी लगा के जा चुके हैं, मतलब मैं सोचूं कि 3 घंटे में यदि 128 लोग हो चुके हैं, मतलब 70% का लगभग लक्ष्य पूरा हो चुका है। तो और हम भी सुप्रीम पावर न्यूज़ के माध्यम से युवाओं से अपील करेंगे कि वो बाकायदा आए, वैक्सीनेशन सेंटर आए और वैक्सीन लगाए, ताकि जो सरकार का ये जो महामारी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को हम सफल कर सकें। सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए मैं खैर लाल जी से योगेश रावत।